दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने 4 जून 2017 में कहा था कि अगर 2014 में 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन से 2017 में 23 यानी 23 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट कुछ ईयर में वो 40 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन को भी अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ये 2017 में नितिन गडकरी जी ने बोला था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वुहान वायरस लॉकडाउन में सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी, उस टाइम इंडिया ने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया था। ये सिर्फ नितिन गडकरी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कैसे मैन पावर और मटेरियल को मैनेज किया होगा लॉकडाउन के टाइम पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जिस स्पीड से रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके सामने कोई कंट्री नहीं है दूर दूर तक, ना ही अमेरिका और ना ही चाइना, और इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में। दोस्तों, नितिन गडकरी जी 40 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड से भी सेटिस्फाई नहीं है। जैसे ही 40 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड इंडिया ने अचीव करी, वैसे ही नितिन गडकरी जी ने न्यू टारगेट 100 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन की सेट कर दिया है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने पास्ट में जो भी टारगेट दिया है उसको उन्होंने अचीव करके दिखाया भी है, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली 100 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन को इंडिया अचीव कर लेगा। दोस्तों, अगर बात करें कंट्रीज वाइड टोटल लेंथ की तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है अमेरिका के बाद। जी हाँ, इंडिया बीट करता है चाइना को भी टोटल लेंथ के मामले में। हम यूरोप यूनियन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक कंट्री नहीं है, लेकिन वहीं वाहन के चलने लायक रोड की बात करें तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। और जिस स्पीड से रोड्स एंड हाईवे इंडिया में बन रहे हैं, विदिन 3 ईयर इंडिया सेकेंड पोजिशन पे आ सकता है, और उसके 10 साल बाद इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है वाहन के चलने लायक रोड के लेंथ के मामले में। लेकिन इंडिया वर्ल्ड क्लास रोड जैसे एक्सप्रेसवे, मोटरवे के मामले में मात खा जाता है। 21 पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड में एक्सप्रेसवे लेंथ के मामले में। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1947 से 2014 तक केवल 900 किलोमीटर ही एक्सप्रेसवे बनाए गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जी ने एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन पे भी फोकस किया है, और अभी इंडिया में लगभग 16,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 2024 तक 60,000 किलोमीटर लेंथ एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। दोस्तों, जिस स्पीड से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास रोड के मामले में बिग जंप दिखा सकता है, और 2024 तक इंडिया टॉप 3 में भी होगा। कई डेवलप्ड कंट्रीज से बेहतर रैंक होगी इंडिया की। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी दे दीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।